साथियों, महाराष्ट्र में भले ही ये कार्यक्रम हो रहा है मगर इसका टेलीकास्ट ऑल इंडिया में हो रहा है। जैसे महाराष्ट्र के लोगों को जिज्ञासा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तारीख को लेकर ब्राह्मणों ने क्यों विवाद किया, तो देश भर के लोग भी इस आज जो यहाँ पर मंथन हो रहा है उसको सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आज हिंदी में यहाँ पर बात रखूंगा। पहली बात यह है, परशुराम सेवा संघ के विश्वजीत देशपांडे को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो हम कार्यक्रम करना चाहते थे उन्होंने प्रताप सिंह भोसले महाराज के इतिहास को लेकर इस इतिहास पर ब्राह्मणों ने पर्दा डाला हुआ है उसको उजागर न किया जाए, इसके लिए उन्होंने विरोध किया और इसके कारण हमारे बहुजन समाज में जिज्ञासा निर्माण हो गई। तो ब्राह्मणों के विरोध का फायदा होता है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने जो विरोध किया इससे हमें बहुत लाभ हुआ है, फायदा हुआ है और उनके विरोध से हमें ये मैसेज मिला कि प्रताप सिंह भोसले महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज है, वारिस थे, उनका इतिहास अगर बाहर निकाला गया तो महाराष्ट्र में नहीं देश भर में इसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है, ये जानकारी हमको मिली। वही प्रताप सिंह भोसले महाराज है जिन्होंने शिक्षा के लिए अपना महल खोला और छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह लड़े, उन्होंने अपना राज्याभिषेक करने के लिए आग्रह किया। 1838 की बात है तो ब्राह्मणों ने उनको कहा तुम क्षत्रिय कुलावंतस थोड़ी हो, तुम भोसले कुलावंतस हो, तुम क्षत्रिय कुलावंतस थोड़ी हो, तुम तो भोसले कुलावंतस हो। साथियों, इनको इतना तड़पाया, इतना प्रताड़ित किया, रात के 2 बजे 5 सितंबर 1839 को रात के 2 बजे कर्नल ओवंस और बालाजी पंत नातू, ये ब्राह्मण है, षड्यंत्रकारी ब्राह्मण है, उसने रात के 2 बजे प्रताप सिंह भोसले महाराज के शयन गृह में घुसे, उनको घसीट कर लाया गया और उनके परिवार, उनकी महिलाओं के साथ, उनके चचेरे भाई के साथ गलत व्यवहार किया और सतारा से पदच्युत करके वो भी रात को वाराणसी में शिफ्ट किया गया और वो राजा अज्ञातवास में 1848 तक रहा और वो कहां मरा, उसकी कहां समाधि है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का वारिस है हम जानना चाहते हैं। सतारा में उनकी समाधि नहीं है, उनके विद्यमान वारिसों को पूछा तो उन्होंने कहा हमें भी मालूम नहीं है, आपका संगठन वहां है तो हमें बताओ। हमने कहा हम तो वहां तो उनका स्मृति दिन सेलिब्रेट करेंगे। तो वो जो महाप्रतापी छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस के साथ जो धोखा हुआ उसके संदर्भ में हमने इतिहास को 1% बाहर लाया है। विश्वजीत देशपांडे को इसीलिए धन्यवाद देना चाहते हैं, बचा हुआ 99% हम इसी साल के अंदर सार्वजनिक करेंगे। मगर ये बात मुझे समझ में आ रही है कि प्रताप सिंह भोसले महाराज के बहाने हम लोग पेशवा ब्राह्मणों का भी इतिहास लिखेंगे, क्योंकि पेशवा ब्राह्मणों का इतिहास सही ढंग से लिखा नहीं गया है, उसका लिखने का काम हम ही लोग कर सकते हैं, ब्राह्मण लोगों ने उसको छुपाया है और उसको हम उजागर करेंगे। चित्पावन ब्राह्मण के बारे में सन 1867 में किताब आई थी, क्योंकि चित्पावन ब्राह्मण ही विरोध कर रहे हैं। उस किताब का नाम था उत्तर कोकणातील प्राचीन गंगा तीरस्थ शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण अथवा
देशस्थ शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण यांची खरी माहिती लेखक नारायण विठ्ठल वैद्य पुरंदरे पुंतांबेकर। ये देशस्थ यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे और पेशवा ब्राह्मण चित्पावन ब्राह्मण थे। तो ब्रिटिशों का राज आया तो ये जो देशस्थ ब्राह्मण थे उनको लगा हमारा भी इतिहास बाहर आना चाहिए, चित्पावनों का तो आता ही गया, अब हमारा भी आना चाहिए। तो उन्होंने वो किताब लिखते वक्त एक खतरनाक जानकारी कोट की, जानकारी में रखा कि महाराष्ट्र के ब्राह्मण लोग या महाराष्ट्र की प्रजा चित्पावन ब्राह्मण को चित्पावन ब्राह्मण मानती है, मगर देश भर के ब्राह्मण लोग चित्पावन ब्राह्मण को नीच ब्राह्मण मानते हैं। उसने बॉम्बे गैजेट का संदर्भ दिया और सतारा का जो पहला प्रशासक था ग्रैंडअप उसका हवाला देते हुए कहा कि बाजीराव पेशवा के अंतिम दिनों में सातारा के वाई इलाके में एक ब्राह्मण व्यक्ति के पास सह्याद्री खंड नामक एक ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ में चित्पावन ब्राह्मणों के असली कोई कारनामे होंगे, कोई खतरनाक जानकारी होगी, या चित्पावन ब्राह्मणों को नीचतम कहा होगा। तो बाजीराव पेशवा ने वाई के उस ब्राह्मण को इतना छला, इतना कष्ट दिया, तो आने वाले समय में सह्याद्री खंड की ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिल गई है। हमारा भी इंटरेस्ट है कि बाजीराव उसको क्यों मार रहा था, उसके पास केवल कॉपी मिली। साथियों, दारवडकर साहब ने बहुत तथ्य तक गए और सच को सामने उजागर करने का साहस किया, इसके लिए हम उनके शतशः ऋणी हैं। और पुणे के अंदर इस विवाद को लेकर चर्चा हो रही है, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि पुणे ही शिवाजी महाराज की जन्मभूमि है, शिवनेरी में उनका जन्म हुआ, तो जिला यही है, यही पुणे है जहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक मूवमेंट की स्थापना की, यही पुणे है कि शाहू महाराज को विरोध करने का काम यही इन्हीं ब्राह्मणों ने किया। शिवाजी महाराज के पुतले का विरोध करने वाले जो ब्राह्मण लोग थे, ओ ब्राह्मण लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जन्म तारीख है इस कमिटी के एक्सपर्ट के तौर पर थे। बहुत ही बड़ा मजाक है, आपको छत्रपति शिवाजी का पुतला, छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला पुणे में नहीं चाहिए। इसका विरोध करने वाले में जो ब्राह्मण थे उसमें भारत इतिहास संशोधक मंडल के भी ब्राह्मण थे, और वही ब्राह्मण लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म तारीख का फैसला करने के लिए खड़े हो गए। मेरे सामने सवाल खड़ा यह है कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु दादू कोंडदेव दिखाया, जिन ब्राह्मणों ने भट्ट रामदास को गुरु दिखाया जबकि वो गुरु नहीं है, ये उनको मालूम है। जिन ब्राह्मणों ने जो गुरु नहीं है उनको गुरु दिखाया, उन ब्राह्मण कलम कसाईयों के पास फैसला देने का अथॉरिटी क्यों दिया गया? दारवडकर साहब ने ये जानकारी सार्वजनिक किया है आज कि उनकी वास्तविक जन्म तारीख क्या है, और ये गड़बड़ घोटाला, ये षड्यंत्र क्यों किया, झूठी तारीख क्यों प्रस्तुत किया? वो तारीख दोनों तुलना करके उन्होंने बताई, मगर मैं यहां एक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं, ब्राह्मणों ने ऐसा षड्यंत्र क्यों किया? जो सदस्य है
जो इस समिति के सम्माननीय सदस्य हैं उसमें दो ब्राह्मण नेत्र है, बेंद्र कायस्थ है, अप्पा साहेब पवार मराठा है, फाटक दत्तो वामन पोद्दार खरे पुरंदरे दीक्षित ये निमंत्रक है, ये सभी लोग ब्राह्मण है। इस रिपोर्ट में खास बात यह तय हुई, डिबेट हुआ है उस रिपोर्ट में, एक ब्राह्मण ने यह बात को एग्री किया है, इस रिपोर्ट में यह दर्ज है कि ये तो पूर्व निर्धारित करके ये समिति बनाई और एक ही विचारधारा के लोगों को इस समिति में लिया गया और उन्होंने पूर्व निर्धारित करके ये तारीख होने चाहिए ये आग्रह किया। इस समिति के एक एक्सपर्ट ने ये राय रखी जब उनका आपस में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, तो इसमें जो विवाद शुरू हुआ बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक इन्होंने सन 1900 में, उसकी तारीख है 24 अप्रैल 1900, केसरी में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक है श्री शिवाजी महाराजांची जन्मतिथि, और उसमें उन्होंने जिन दस्तावेजों का सहारा लिया, चिटनीस बखर का सहारा लिया, सन 1900 में बाल गंगाधर तिलक आग्रह कर रहे हैं कि शिवाजी महाराज की जन्म तारीख 6 अप्रैल सन 1627 है 1900 में। मगर दूसरी जानकारी ये बता रहे हैं कि एक पोथी जेडी की उनको मिली और उसको रीराइट किया गया और बाद में जेडी फैमिली को कॉपी दी गई। ये मामला क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म तारीख बदलने का श्रेय या इसके लिए किसी ने ऑर्गेनाइज वे में कोई मुहिम चलाई है? ये 1966 का मामला ब्रिटिशोत्तर है, ब्रिटिश चले गए हैं और ब्रिटिश काल में एक विवाद खड़ा हुआ और ये विवाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निर्माण किया गया। बाल गंगाधर तिलक को इस विवाद को निर्माण करने की वजह क्यों महसूस पड़ी? कोल्हापुर संस्थान के एक दत्तक राजा थे शाहू महाराज के आने के पहले, उनके साथ ब्राह्मणों ने बहुत गलत व्यवहार किया। उस समय आगरकर और तिलक दोनों आर्टिकल लिखते थे, तो आगरकर और तिलक ने कोल्हापुर के राजा के संबंध में अनाप शनाप लिख दिया। ब्रिटिश लोग उस राजा को शॉकिंग दे रहे, टॉर्चरिंग कर रहे, ऐसी भी बातें उसमें लिख दी। बाद में इंक्वायरी हुई और बाल गंगाधर तिलक और आगरकर को 101 दिन की सजा हो गई। ये क्यों कर रहे हैं? तिलक का इंटरेस्ट क्यों बढ़ रहा है? शिवाजी महाराज की तरफ तिलक क्यों घुस रहे हैं? तिलक को सजा हुई, तिलक को सजा होने के बाद तिलक को इस बात का एहसास हुआ कि इससे तो मराठा और तमाम बैकवर्ड कास्ट के लोगों में मेरी बेइज्जती हो गई है। तो तिलक ने जो गंवाई हुई इज्जत थी उसको दोबारा हासिल करने के लिए रायगढ़ पर जाकर संवर्धन के नाम पर नाटक और नौटंकी किया और अलग अलग जगह पर घूमकर बड़ौदा के सरकार के पास भी गए, कोल्हापुर संस्थान के पास गए, बहुत ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया। रायगढ़ की जन्म कथा, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापी हुई किताब है, उस किताब में इस बात का जिक्र है कि तिलक के द्वारा शिवाजी महाराज के रायगढ़ के समाधि और परिसर का जीर्णोद्धार के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया बाल गंगाधर तिलक ने गबन किया, हड़प कर लिया। जो दाता लोग थे उन्होंने जब पूछा कहां है पैसा, तो उन्होंने कहा वो बैंक ही फ्रॉड हो गई। साथियों, दूसरा समय आया
शाहू छत्रपति महाराज कोल्हापुर राजगद्दी के वारिस के तौर पर राजबाट हाथ में ले लिया और शाहू छत्रपति महाराज को 1896 में वेदोक्त प्रकरण के मामले में जो झगड़ा करना पड़ा तो उसका रियल मास्टरमाइंड राजोपाध्याय नहीं था, उसका रियल मास्टरमाइंड पूना का बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक ग्रेजुएट पास हुए वकील थे, उनकी पढ़ाई लिखाई ये वकील भी थे, वो उनको इतना ज्ञान था कहां बचा जाए। वकालत नहीं किया उन्होंने, झगड़े लगाने के लिए शब्द खेल का इस्तेमाल किया, फसाद करने के लिए भाषाओं का इस्तेमाल किया और शाहू महाराज को वेदोक्त प्रकरण में बाल गंगाधर तिलक ने राजोपाध्याय को बंगाल जो हेडक्वार्टर था वहां कर्नल करजन जो वाइसराय करजन है उसके पास राजोपाध्याय को ड्राफ्ट करके मेमोरेंडम पेश किया कि जैसे पेशवाओं का राज का पतन हुआ वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के इस गद्दी का भी पतन करवाओ। मगर शाहू महाराज ने पेशेंसफुली, जो फॉरेन से पढ़कर आए शाहू महाराज ने बहुत पेशेंसली फाइट किया और 1903 और 5 के दरमियान शाहू महाराज ने दो तरह की फाइट की। एक राजोपाध्याय को 40,000 रुपए तनख्वाह मिलता था सालाना, वो बंद कर दिया। और दूसरा फाइट उनका ये शुरू हुआ कि ये जो ब्राह्मण लोग है मेरे पुरखों ने बहुत दान दी है उनको जमीन और ये मुझे शूद्र कह रहे हैं, तो शाहू महाराज ने अपने पुरखों के द्वारा दान की गई जमीन को जब्त कर लिया। तो सारे ब्राह्मण तिलक के पास गए और तिलक ने लॉर्ड कर्जन को खत लिखवाया कि इस राज को खत्म कर दिया जाए। शाहू महाराज को अथॉरिटी मिल गई कि राजा के ही पुरखों ने जीती हुई जमीन का इस्तेमाल, ये ब्राह्मण राजा के ही खिलाफ कर रहे हैं तो मालिक अपनी जमीन को वापस ले सकता है। इससे एक बहुत बड़ी, उसको बहुत बड़ा आघात हुआ। आघात होने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने पुणे के नाटक कंपनी को शिवाजी महाराज के खिलाफ, तुकाराम महाराज के खिलाफ शूद्र कहने वाले स्टेटमेंट नाटक के जरिए से कोल्हापुर में स्कूल में नाटक प्रदर्शन किया। महाराज को पता चला ये मुझे ही गाली दे रहे, बंद कर दिया। साथियों, बाद में तिलक ने योजना किया कि शाहू महाराज की हत्या कर दी जाए और शाहू महाराज की हत्या करने की योजना बनाने में तिलक विफल हुए। फिर शाहू महाराज गुस्से में आकर अपने पुरखे के रिकॉर्ड ढूंढना शुरू कर दिया। वेदोक्त प्रकरण ये ऐसा स्ट्रगल है कि शाहू महाराज अपने पुरखों के साथ अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ और उनकी विचारधारा और विरासत के साथ ज्यादा जुड़ गए। तो उन्होंने उसका इतिहास ढूंढने का काम शुरू किया तो अलग अलग जगह पर हत्याकांड हुई है। नासिक में हत्याकांड हुई, कलेक्टर को मार दिया गया। बंगाल में हत्याकांड हुई, पुणे में चाफेकर बंधु ने वो अफसर को मार दिया। साथियों, उसके बाद तिलक को जेल में डालने का काम शाहू छत्रपति महाराज ने किया। इसके लिए वैलेंटाइन चिरोल जब जांच आयोग बैठा तो शाहू छत्रपति महाराज ने, क्योंकि उनकी हत्या करने की साजिश तिलक के द्वारा की जा रही थी, तो उन्होंने सारे सबूत इकट्ठा करके दे दिए और महाराज ने ब्रिटिश हेडक्वार्टर जो बॉम्बे का गवर्नर था उसको लिखा, मैं आपको
पहले ही बोला था कि पूना में बम बनाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है और उसका असली मास्टरमाइंड ये आतंकवादी तिलक है, तब आप लोग मुझके ऊपर मेरे ऊपर हंस रहे थे। अब पता चला सेनापति बापट इसको तिलक ने फॉरेन में भेजा, उसने वहां से रशियन लड़कियों को मोह में डाला, उनसे जानकारी ली बम बनाने का, और इनकारी में बाल गंगाधर तिलक के घर में बम बनाने की सामग्री तक मिली। इसकी खोज शाहू महाराज ने की, जिसके चलते तिलक को मंडाले में जेल हो गई। चिरोल का जो आयोग जो उसका रिपोर्ट है अनरेस्ट इंडिया, दो वैल्यूम में शाहू महाराज को लगा कि मेरी प्रजा को ये तिलक का असली चेहरा पता होना चाहिए, तो कोल्हापुर का कायस्थ प्रोफेसर प्रोफेसर डोंगरे को उसका मराठी में अनुवाद करने को कहा। इतना बढ़िया अनुवाद मराठी में किया तो शाहू महाराज ने उस कायस्थ प्रोफेसर डोंगरे को 2000 रुपए बख्शिश में दिया। बोले अच्छा किया। फिर डोंगरे के साथ उनकी जान पहचान होने के बाद उन्होंने इतिहास को ढूंढना शुरू किया तो कुछ तथ्य सामने आ गए। आज जो हम बात कर रहे हैं ये तथ्य लड़ाई के बाद पता चल रहे हैं। शाहू महाराज ने उनके साथ जो अपमान किया उसको इतिहास के तौर पर ढूंढने का पता चला तो लड़ाई सीधी हो रही है। बाल गंगाधर बनाम शाहू छत्रपति महाराज। आपको आश्चर्य लगेगा शाहू छत्रपति महाराज को बाद में लोकमान्य कहा गया। लोकमान्य शाहू छत्रपति महाराज ने ये उपाधि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को दी हुई उपाधि है, ये तिलक के अनुयायियों ने बाद में चोरी है। ये लोकमान्य शाहू छत्रपति महाराज ने बाबा साहब अंबेडकर को दी हुई उपाधि है। और वो कहते थे कोई लोकमान्य है तो इनके जैसा, बाबा साहब अंबेडकर ही लोकमान्य। साथियों जो 1900 में तिलक ने जो लेख लिखा उसमें है विवाद। उस लेख में उसने ये कहा कि सुमारे 275 वर्षापूर्वी जन्म लेल्या शिवाजी महाराजांच्या जन्मतिथी बद्दल इतक्या ग्रंथातून इतका घोटाळा असावा हे चमत्कारिक तर आहेच। घोटाळा मान्य कर रहा है, मगर उसमें उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि जिजाबाई सारखी नावडती बाई को धामधूमीचा प्रसंगी शिवनेरीस प्रसूत झाली। केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने किस पर लेख लिखा? शिवाजी महाराज के जन्म तारीख पर। विलन किसको बता रहे? जिजाऊ साहब को। और क्या बता रहे हैं? नावड़ती बाई को। जेम्स लेन को यह शब्द कहां से मिला? जेम्स लेन को शब्द इधर से मिला। जेम जन्म तिथि का मामला केवल जन्म तिथि का मामला नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण करने का मामला है, और उसके साथ साथ मां साहेब जिजाऊ के चरित्र पर उंगली उठाने का भी मामला है। मामला साधारण नहीं है। महा साहेब जिजाऊ का चरित्र हनन करने का पहला काम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया, इससे जानकारी में पता चला। मगर जो मेंबर है, मेरा सवाल यह है कि क्या दत्तो वामन पोद्दार इतिहासकार है क्या? क्योंकि अब 57 साल के बाद हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। क्या दत्तो वामन पोद्दार इतिहासकार है? क्या विकार राजवाड़े तो मेंबर नहीं है, मगर मराठाओं का नाम जब आता है तो विकार राजवाड़े का नाम पहले आता है। क्या विकार राजवाड़े भी इतिहासकार है? क्या बाल गंगाधर तिलक इतिहासकार है? तो हम इधर उधर की बात छोड़ दो, शाहू महाराज राजवाड़े को क्या कहते हैं क्योंकि वो समकालीन है। शाहू महाराज तिलक को क्या कहते हैं? शाहू महाराज तिलक को कहते हैं ये आतंकवादी ब्राह्मण है। बाल गंगाधर तिलक को आतंकवादी ब्राह्मण है।
और जब ये विवाद 1916 में पैदा हुआ, जेदे शकावली आई 1916 में, तब दुनिया के पॉलिटिक्स में बदलाव हो रहा है और तिलक जेल से बाहर आ चुका था और विश्व युद्ध का माहौल क्रिएट था और तिलक चिरोल मामले में साल भर लंदन में जाकर रहा था, वो बात अलग है। पुणा में आकर प्रायश्चित लिया था, वो बात अलग है। ब्रेड प्रकरण बहुत फेमस था यहां का, तो उसमें प्रायश्चित लेने में रानड़े बाल गंगाधर तिलक के हौद प्रकरण, पंडिता रामा पंडित जोशी जो पहली डॉक्टर बनी थी उसका पति, उसने ये आनंदीबाई जोशी उसके पति ने इनको अंग्रेजों के साथ ब्रेड खाते हुए देखा तो यहां पुणे में बैठक हुई और इन्होंने प्रायश्चित लिया बाल गंगाधर तिलक ने। तो साथियों, शाहू छत्रपति महाराज राजवाड़े को इतिहासकार नहीं मानते हैं, शाहू छत्रपति महाराज राजवाड़े को इतिहासकार नहीं मानते हैं, बल्कि उनका यह कहना है कि राजवाड़े बहुत ही बदमाश व्यक्ति है। राजवाड़े जो व्यक्ति है ये अत्यंत नीच व्यक्ति है और इसने हमारे खानदान की बहुत बड़े पैमाने पर बदनामी की है। उन्होंने कहा, मोंटेगू महाराज शाहू महाराज ने मॉरिसन को लिखा, क्या लिखा मॉरिसन को, 27 नवंबर 1909 में एक खत लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि एक दत्तात्रेय बलवंत पारसनीस ये ब्राह्मण इतिहासकार खुद को मुझे मिलने आया, ये ब्राह्मणों का बड़ा इतिहासकार पारसनीस, शाहू महाराज कह रहे ये मुझे मिलने आया और मुझे लंदन जाकर शिवाजी महाराज के रिकॉर्ड लाऊंगा, ऐसा मुझे कहा और इसने मुझे कहा कि मैं ग्रेजुएट हूं और ये लंदन गया, मैंने पैसा दिया, फिर पैसा मांगा, फिर दिया, जब वो आया तो मुझे चुना लगा के गया, फिर मैंने अंदर तक जानकारी निकाली तो पारसनीस मैट्रिक पास भी नहीं था। तो मुझे एक ब्राह्मण इतिहासकार ने आर्थिक रूप से चुना लगाया, लंदन में मैंने भेजा, मुझे चुना लगाया, तो मेरी इतिहास के प्रति जिज्ञासा बढ़ गई कि ब्राह्मण लोग मेरे पुरखों के नाम पर मेरे से पैसा लेकर गए, उन्होंने वहां जाकर क्या किया, तो पेशवाओं के रिकॉर्ड लेके आए, मेरे पुरखों के रिकॉर्ड नहीं लाए। शाहू महाराज ने बताया कि मुझे इतिहास में रुचि कैसे पैदा हुई यह मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे बचपन से ही इतिहास के बारे में अत्यंत रुचि थी, मुझे ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए पुराने बखरों में यह दिखाई दिया कि कुछ ब्राह्मण इतिहासकारों ने इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया और रानड़े की इतिहास के में बहुत बड़ी गलतियां ही नहीं तो वो ब्राह्मणों को अवास्तव महत्व दिया गया है। जब मैंने इतिहास के बारे में जानकारी लेना शुरू किया तो मुझे राजवाड़े और पारसनीस की षड्यंत्र की जानकारी मिली। राजवाड़े मराठों के संदर्भ में ये विवाद में तिलक का भी रोल है और राजवाड़े का भी रोल है। तो शाहू महाराज हमारे लिए एक आधार है कि शाहू महाराज उस समय के ब्राह्मण इतिहासकारों के बारे में क्या सोचते थे। तो महाराज बोलते हैं पारसनीस नंबर एक का बदमाश था और राजवाड़े भी दूसरा बदमाश था। शाहू महाराज ने यह लिखा, मेमोरेंडम लिखा लॉर्ड सिडनेहम को 1918 में, ये खास संदर्भ के साथ है, महाराज ने मराठाओं को कम्युनल अवार्ड देना क्यों जरूरी है, इस संदर्भ में 1918 को लॉर्ड सिडनेहम को खत लिखा और उस खत में शाहू महाराज ने लिखा राजवाड़े के बारे में, मिस्टर राजवाड़े जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो खुद को महान इतिहासकार कहता है वह उसके ब्राह्मण जाति के अनुसार बहुत ही पक्षपाती व्यक्ति है, वह अन्य जातियों के प्रति द्वेष भावना रखता है, उसने चांद्र सेनीय कायस्थ प्रभु और मुसलमान इनके संबंध में झूठे और अत्यंत बदनामी कारक बनावट जानकारी प्रकाशित की है, वे लोग उसके खिलाफ निश्चित तौर पर
अपने कदम उठाने वाले हैं। यह जानकारी मैंने इसीलिए यहाँ पर प्रस्तुत की ताकि ब्राह्मणों के नीच चरित्र का पर्दाफाश हो। शाहू महाराज ने 17 अगस्त 1918 को सर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इनको एक खास जानकारी बताई अपने पुरखों के बारे में कि मेरे पूर्वज महान देशभक्त सेनापति और राजनीतिक नेता छत्रपति शिवाजी महाराज ने राष्ट्रीय संदर्भ में ध्यान रखते हुए दक्षिण में अपना राज्य की स्थापना की, लेकिन षड्यंत्रकारी पेशवा ब्राह्मणों ने उनके वारिसों को कैद करके उनके राज्य पर कब्जा किया। विश्वजीत देशपांडे को बुरा लग रहा है, मेरे द्वारा बताई गई बात को बुरा लग रहा है। अरे शाहू छत्रपति महाराज लिख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिस लिख रहे हैं कि मेरे पुरखे को छत्रपति शिवाजी महाराज के वारिसों को षड्यंत्रकारी पेशवा ब्राह्मणों ने उनके वारिसों को कैद करके उनके राजपथ पर कब्जा किया। तब से पिछले 200 वर्ष के अवधि में मराठा लोग ब्राह्मणों के राजनीतिक वर्चस्व के नीचे दबे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे मराठा लोग कमजोर क्यों है, क्यों युक्तिवाद नहीं कर रहे ब्राह्मणों से। तो महाराज ने कहा केवल अभी से नहीं, 200 वर्ष यानी पेशवा ब्राह्मण प्रताप सिंह महाराज का संदर्भ के साथ बोल रहे हैं, वही तारीख मैच हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हमारे मराठा लोग ब्राह्मणों के राजनीतिक वर्चस्व के नीचे दबे हुए, जिस तरह वे सामाजिक और धार्मिक मामले में भूदेव अपने आप को कहते हैं और दैवी प्रकोप के डर के मारे और अनुवांशिक पुरोहितगिरी के षड्यंत्रकारी आदेश के अनुसार मराठाओं को जोर जबरदस्ती से अज्ञानी बनाकर रखा गया है। साथियों, शाहू छत्रपति महाराज ने राजवाड़े को रिजेक्ट करते हुए कहा कि मैंने छानबीन की, मैंने मेरे पुरखों का इतिहास ढूंढा, तब मुझे पता चला कि राजवाड़े और अन्य ब्राह्मण लोग दादू कोणदेव और भट्ट रामदास को गुरु कहते हैं। जब मैंने मेरे पुरखों का इतिहास ढूंढा तब मुझे पता चला कि भट्ट रामदास और दादू कोणदेव छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु है, ऐसा मुझे एक भी सबूत नहीं मिला। जब ये विवाद चल रहा है तब शाहू महाराज अपने पुरखों के इतिहास को ढूंढ रहे हैं। अंग्रेज अफसर को लिखा कि प्रोफेसर डोंगरे को मैं लंदन म्यूजियम में भेज रहा हूं, जैसे आप ब्राह्मणों को वहां के कागजात दिखाते हो उसी तरह हमारे शूद्र लोगों को भी कागजात दिखाओगे, मैं प्रोफेसर डोंगरे को वहां भेज रहा हूं। तो शाहू छत्रपति महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास वास्तव में जिंदा कर रहे थे, यह तिलक को पता था। यह रिएक्शन में हो रहा है, शाहू छत्रपति महाराज के खिलाफ हो रहा है, यह एक संदर्भ है। तिलक अपने आप नहीं कर रहा है, तिलक को शाहू महाराज के साथ जो शूद्र अति शूद्रों का समर्थन है शिवाजी महाराज के वारिस होने के नाते भी और उनकी विचारधारा पर अड़े रहकर ब्राह्मणों से ओपनली झगड़ा कर रहा है, तो समाज उनके साथ भी जुड़ रहा है और ब्राह्मणों के खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो उस शिवाजी महाराज को हैजा कैसे किया जाए। इस रणनीति के तहत बाल गंगाधर तिलक ने ये सारा कांड किया। इस समिति का दत्तो वामन पोद्दार क्या कहता है? दत्तो वामन पोद्दार का कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। दत्तो वामन पोद्दार का यह कहना है
कि भारत इतिहास संशोधन मंडल सप्तम सम्मेलन वृत्त शके 1841 यानी 1912 संपादक दत्तो मामन पोद्दार पृष्ठ 141 पर क्या कहते हैं कि हम लोगों ने जेधे शकावली को आधार बनाकर कुछ लिखा और ये प्रक्रिया उन्होंने शके 1841 को की, ऐसा उसका कहना है भारत इतिहास संशोधन मंडल। हमने दत्तो वामन पोद्दार की राय रिपोर्ट में सुनी, फिर हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया कि भारत इतिहास संशोधक मंडल ने उस साल के अंक में क्या लिखा था, हमको इंटरेस्ट बढ़ गया। तो उस अंक में छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म तिथि के संदर्भ में एक लेख है, जेदे शकावली के बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये बाद में है, मगर तीन आर्टिकल विकार राजवाड़े के छपकर आए हैं। एक आर्टिकल का नाम है हिंदू कोनास मनावे, हिंदू किसे कहा जाए। दूसरे आर्टिकल का कहना है हिंदू और हिंदुत्व की क्या व्याख्या है। शाहू छत्रपति महाराज को मिल रहा समर्थन तोड़ने के लिए ब्राह्मणों ने हिंदू और हिंदुत्व की भी व्याख्या छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म तारीख के विवाद के साथ शुरू कर दी और इसके लिए ऑर्गेनाइज वे में भारत इतिहास संशोधन मंडल में दत्तो वामन पोद्दार उस अंक का संपादक है, आर्टिकल लिखने वाला विकार राजवाड़े है और अन्य ढेर सारे ब्राह्मण हैं। इसका मतलब यह पता चल रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म तारीख या जन्म तिथि का विवाद करके छत्रपति शिवाजी महाराज को हाईजैक किया जाए और छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू के परिभाषा में पहली बार भारत इतिहास संशोधन मंडल ने प्रस्तुत करना शुरू किया ताकि हिंदू मुसलमान की थ्योरी को निर्माण किया जा सके। मैं इस बारे में सोचता था कि 1874 में ज्योतिबा फुले के आंदोलन को काउंटर करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती अपने आप को हिंदू नहीं मान रहा है, आर्य ब्राह्मण मान रहा है और हिंदू को गाली मान रहा है, गुलाम मान रहा है, नीच कपटी छली मान रहा है और ब्राह्मण 1910 के बाद 12 के बाद ये हिंदू की थ्योरी को महत्व क्यों दे रहे। आरएसएस ने हिंदू थ्योरी राजवाड़े और तिलक से ली है, ये विवाद को जब हम ढूंढ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है इनके आइडियोलॉजी चल रही है, केवल हमें तारीख को नहीं ढूंढना है, इनके माइंड को रीड करना है, ये क्या करना चाहती, हिंदुत्व की थ्योरी को निर्माण किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को गो ब्राह्मण प्रतिपालक प्रस्तुत किया। तो साथियों ऐसा उन्होंने क्यों किया, तब पता चला कि शाहू महाराज को अब रोकना संभव नहीं है, इसलिए ब्राह्मण लोगों ने धार्मिक बातों का आधार लेना शुरू किया। तिलक अरेस्ट हुए, गीता पर ग्रंथ लिखा, तिलक राजनीतिक नेता थे, उनको राजनीतिक ग्रंथ लिखना चाहिए था, मगर तिलक ने गीता लिखने के लिए अंग्रेजों को कहा मेरे घर के लाइब्रेरी से मुझे एक कॉपी चाहिए, वही एक ही चाहिए और वो कॉपी क्या है, धम्मपद की कॉपी चाहिए, लिख रहे हो आप गीता पर और कॉपी मांग रहे हो धम्मपद की, क्योंकि उसको मालूम था ये सारा गीता धम्मपद की ही चोरी करके लिखा हुआ था, मगर लिख रहे धर्म ग्रंथ पर, सावरकर लिख रहे धर्म ग्रंथ पर, गांधी लिख रहे धर्म ग्रंथ पर, यानी जितने भी ब्राह्मण जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय नेता आज कहे जाते हैं वो धर्म ग्रंथ पर क्यों लिख रहे थे, इसके पीछे एक वजह है, रानी का डिक्लेरेशन
1857 के गदर का विफल होने के बाद ब्राह्मण और अंग्रेजों का समझौता हुआ, उसी को रानी का जाहिरनामा कहते हैं। और रानी ने डिक्लेरेशन दिया था कि धार्मिक मामलों में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान में रखकर छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण करने की योजना अपने बचाव के लिए कर रहे थे। साथियों, एक षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीख को बदला गया और उनके जीवन चरित्र को बिगाड़ दिया। मगर इस समिति के लोगों ने जो अलग अलग आरोप लगाए, अलग अलग बातें हुई, उसको भी जानना और समझना जरूरी है। ये जो समिति है, इस समिति का जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में एक नर फाटक की बात को तवज्जो देना चाहिए। नर फाटक के कारण ही समिति का काम बिगड़ गया, ऐसा मेरा मानना है। नर फाटक ने बाकी लोगों की तारीख को इसलिए नकार दिया, नर फाटक का यह कहना था कि जेदे शकावली को हम इसलिए महत्वपूर्ण साधन नहीं मान सकते क्योंकि ये शिवाजी महाराज के घर की कॉपी नहीं है। जेदे शकावली को किस आधार पर नकारा? जगदीश शकावली को तीसरा आदमी लिख रहा है, तीसरा जो शिवाजी महाराज का परिवार का आदमी नहीं है। जगदीश शकावली का तिलक और बाकी के ब्राह्मण क्यों आग्रह कर रहे हैं? मराठाओं को यह सवाल पूछना चाहिए, क्या जगदीश छत्रपति शिवाजी महाराज के डायनेस्टी के व्यक्ति थे? क्या नहीं थे? जदुना सरकार ने भी कहा कि जगदीश शकावली को इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि वो घर का सबूत नहीं है, जो शिवाजी महाराज का बड़ा इतिहासकार माना जाता है। साथियों, इस समिति के लोगों ने बाद में ये विवाद हो गया, एक दूसरे के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया, तो इन लोगों की आम राय नहीं बनी। तो जो देसाई जो अपर सेक्रेटरी है उसने बाद में तारीख बढ़ाई और अप्पा साहब ने केवल चार लाइन का लिखा कि विवाद को ध्यान में रखते हुए पुरानी तारीख रखो, मगर अपर सचिव ने गवर्नमेंट को लिख कर दिया कि सरकार की सहूलियत के लिए छुट्टी देने के लिए जयंती सरकार को मनानी है, इसके लिए आपको 19 तारीख तय कर दी जाती है। मगर वो भी कौन सी 30, यानी तारीख का मामला नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज के केवल जन्म तारीख का विवाद का मामला नहीं है, दो विवाद एक साथ, तारीख भी गड़बड़ वाली है और साल भी गड़बड़ वाले हैं। यानी अगर आप 1630 को मान्यता देते हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज को 3 साल बाद लेट पैदा करके दिखाना होगा, यानी 3 साल बाद अगर आप उनको लेट पैदा हुए दिखाते हो तो सारा जीवन चरित्र शिवाजी महाराज का बिगड़ जाएगा और मनमाने तरीके से उनके चरित्र में कुछ भी बातें मिलावट करने का अवसर मिलेगा। तो साथियों, ब्राह्मण समिति ने, ये कोई संशोधक समिति नहीं है, ये ब्राह्मण समिति है और ब्राह्मण समिति ने विवाद को कायम रखा। मगर मैंने एक सवाल खड़ा किया था कि मैं दत्तो वामन पोद्दार को इतिहासकार ही नहीं मानता। अगर चर्चा ही हो रही है, विचार मंथन ही हो रहा है, तो मेरा आज ये मत बन गया है, इन्होंने जानबूझकर विवाद पैदा किया, तो विवाद का अध्ययन करने के बाद मेरी ये राय बनी कि दत्तो वामन पोद्दार इतिहासकार ही नहीं है। आप कहोगे इसका सबूत दो। 1934 में ब्रिटिश बॉम्बे सरकार ने पेशवाओं के रिकॉर्ड का संकलन करने की एक समिति बनाई और सर देसाई को उसका हेड बनाया। उसका एक मेंबर दत्तो वामन पोद्दार भी था और उसका एक दोस्त प्रोफेसर कुलकर्णी था। उनको जब पेशवा ब्राह्मणों के रिकॉर्ड मिलना शुरू हुआ तो रिकॉर्ड में नाना फडणवीस के रखेल महिलाओं की यादी की लंबी सूची मिली।
तो पुराना कागज था ऐसा फोल्ड किया हुआ, उन्होंने सभी दोस्तों ने मिलकर समिति के सभी मेंबर ने आंखें फाड़ फाड़ कर नाना फडणवीस कितना बड़ा लफड़ेबाज था। नाना फडणवीस को सबसे ज्यादा शादी की हुई महिलाएं थी। नाना फडणवीस का कैरेक्टर भी बहुत खतरनाक था, जिसको लूटना था उसी के घर की लड़की को बीवी बनाता था। तो नाना फडणवीस की रखेल श्रीओ की सूची जब मिली तो एक मेंबर कुलकर्णी प्रोफेसर कुलकर्णी ने यह जानकारी प्रके अत्रे को बताई और प्रके अत्रे ने अपने चरित्र करहेचे पानी में यह जानकारी छाप दी। ये कॉन्ट्रीब्यूशन प्रके अत्रे का है, अत्रे को इस बारे में हम मानेंगे। वो बात अलग है कि बाबा साहब अंबेडकर को लास्ट लाइफ में धोखा देने का काम प्रके अत्रे का है, वो बात अलग है, मगर इस मामले में अत्रे का धन्यवाद। उसने लिखा एक सदस्य माननीय सदस्य कोई चीज अंदर रह गई है, वो देखकर आता हूं कहकर गया। हम सभी लोग बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, बाद में वो आया, हम चले गए। दूसरे दिन आया, जिसको हमको लिस्टिंग करना था वो कागजात ही गायब था। तो कुलकर्णी ने मुझे एक बताया कि नाम मत बताना, तुमको बताता हूं। तो आत्रे ने इशारे में कहा, और वो इशारा दत्तो वामन पोद्दार की तरफ था, कि कुछ इतिहासकार महाराष्ट्र में ऐसे भी है, अपना जो सोई का है, अपना जो अनुकूल है, ब्राह्मण अनुकूल है, उसको कायम रखते हैं, ब्राह्मण विरोध गया तो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। दो बातें अत्रे ने बताई, ये चरित्र राजवाड़े का था और ये चरित्र आज खुद को महान इतिहासकार कहता है। मुझे बताओ दत्तो वामन पोद्दार नाना फडणवीस की रखेल श्रीओ की याद खा सकता है तो उसको क्या अधिकार है शिवाजी महाराज की जन्म तारीख क्या है बताने का? उसको कोई नैतिक अधिकार है? हम दत्तो वामन पोद्दार को इतिहासकार नहीं, डकैत मानते, डाकू। राजवाड़े के बारे में दुर्गा भागवत ने मान्य किया कि ये पुरावे नष्ट करता है। आपको जानकारी के लिए बताता हूं कि राजवाड़े के पास ओरिजिनल ज्ञानेश्वरी की कॉपी मिली थी। राजवाड़े के पास ओरिजिनल ज्ञानेश्वरी की प्रत मिली थी और उसके दोस्त उसको मिलने गया। ये राजवाड़े चरित्र में लिखी हुई बात है। राजवाड़े चरित्र में ये बात लिखी क्यों लिखी होगी? तो भारत इतिहास संशोधक मंडल के लोगों का आपस में झगड़ा, ये वजह है। श्रेय लेने की बात, पैसा लेने की बात। तो उसने, उसके ही चरित्रकार ने लिखा कि अब ये बात मैं बता देता हूं, मेरा रहा नहीं जाता। और चरित्र में गुण दोष चैप्टर का नाम है राजवाड़े के गुण दोष। तो उसमें उसने लिखा कि राजवाड़े अकेले बैठे थे और खिचड़ी खा रहे थे। राजवाड़े को बुरी आदत थी, एक महिला ने उसको गहने चोरी का आरोप लगाया था, इसलिए वो अकेला ही रहता था, अकेले कमरे में रहता था और अकेले खिचड़ी पकाकर खाता था। वो खिचड़ी पका रहा था और उसी समय एक ब्राह्मण उसको मिलने आया और कहा कि मैंने सुना है कि आपके पास ज्ञानेश्वरी की मूल प्रत मिली है, मुझे जरा देखने को दो। मगर राजवाड़े के दुश्मन का ये दोस्त था, इसलिए राजवाड़े को गुस्सा आया, उसने उसको ऐसा दिखाया और उस कॉपी को लेकर जहां वो खिचड़ी पक रही थी उसके अंदर उसको झोंक दिया। ये बहुत परेशान हो गया कि इसने क्यों फेंक दिया। ये दौड़ा दौड़ा चला गया, ज्ञानेश्वरी की पोथी को जितना बचा सकता है बचा लिया। ये बात 1908 की है। बाद में उसने ठंडा पानी पिलाया और कहा कि मुझे लहर आ गई थी, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अब ये बची हुई ज्ञानेश्वरी तू रख ले, जब मुझे लगेगी दे देना। और 1916 में वो कॉपी मुझसे मांगी और उस कॉपी को नष्ट किया। राजवाड़े ने ज्ञानेश्वरी की कॉपी को क्यों जलाया, इसके लिए शोध करने की बात है। उसके अंदर ऐसी कौन सी बात थी जो राजवाड़े जैसे ब्राह्मण इतिहासकार को जलाने की बात हुई? इसलिए साथियों, जो इतिहास है, जो तथ्य है, वो तथ्य को जानना समझना बहुत जरूरी है। मगर एक सवाल जो मैंने खड़ा किया था उसका आखिरी में जवाब देता हूं। ब्राह्मणों ने जन्म तारीख को लेकर इतना विवाद क्यों किया?
यानी 1900 से विवाद चल रहा है, अब 2023 चल रहा है, इतना खींचातानी क्यों चल रहा है? इसका जवाब हमें 2004 में जेम्स लेन द्वारा लिखी गई किताब इसके अंदर मिलता है। क्यों विवाद खड़ा किया? विवाद खड़ा करने की वजह क्या है? तो जो बात तिलक कह रहा है वही बात जेम्स लेन को भांडारकर संस्था के ब्राह्मण, मराठा इतिहास संशोधक मंडल के ब्राह्मण, पुणे यूनिवर्सिटी के ब्राह्मणों ने जेम्स लेन को कही, जो बात इसने कही तिलक ने नावर्ती बाई को, तो इसने लिखा जेम्स लेन ने पेज नंबर 93 पर, शिवाजी के पिता हमेशा, शिवाजी के पिता हमेशा घर से दूर रहते थे। ये 3 साल का झगड़ा है, 1627 कह रहे हैं दारवटकर साहब, मैं इस बात के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। वो 1627 कह रहे हैं। अरे प्रताप सिंह महाराज ने को ग्रैंड अपने पूछा, आपकी राजा की जन्म तारीख कौन सी है? दूसरे छोड़ो, ये तो अभी के इतिहासकार है, उस समय का सबसे बड़ा इतिहासकार ग्रैंड अपने शिवाजी महाराज के वारिस को पूछा कि मैं मराठाओं का इतिहास लिख रहा हूं तो आने वाले शताब्दी तक ये रहेगा, तो मेरे लिए क्यूरियोसिटी है छत्रपति शिवाजी महाराज की असली जन्म तारीख क्या है? तो प्रताप सिंह महाराज ने कहा 1627। दारवटकर साहब को धन्यवाद, आपका अनुमान सही है। ग्रैंड अपने भी 1627 को माना और वो कायस्थ के रिकॉर्ड को माना। तो ये लिख रहा है शिवाजी के पिता हमेशा घर से दूर रहते थे, इसके बारे में महाराष्ट्र में एक उपरोधिक जोक किया जाता है कि उनके रक्षक दादाजी कोंडदेव शिवाजी के वास्तविक बायोलॉजिकल पिता थे, शिवाजी के पिता का शिवाजी पर कम प्रभाव था, इसलिए पिता के रूप में पहले दादाजी कोंडदेव और बाद में रामदास जीवन में आते आए थे, ऐसा कुछ लेखक कहते हैं। लेकिन उनकी मां को उनके पिता ने जो नकारा था उसका गहरा घाव शिवाजी के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, जिसकी वजह से उनका जीवन प्रभावित हुआ था। इसलिए हम देखते हैं कि पिता द्वारा त्यागी हुई अपनी दुखी माता को खुश करने के लिए शिवाजी वीरता दिखाता है और उनकी वीरता से वह खुश हो जाती है, क्योंकि उसको पता था कि वह यादव वंश की वंशज है, लेकिन उसके पति निचले जाति के होने के कारण हिंदू साम्राज्य की पुनर्स्थापना के लिए वह अपने पुत्र के रूप में सपना देख रही थी। यह है बाल गंगाधर का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये है जो नावर्ती पत्नी जो कहा, ये सूत्र बमा पुरंदर ने जेम्स लेन को बताया, टाकलेली बाई को सोडून दिलेली पत्नी, किसे सहन कर सकते हम लोग? तो ये विवाद का मामला, विवाद का मामला नहीं, कितने विवाद इसके अंदर जोक कर रहे थे, दादू कोंडदेव पिता है, कितना बड़ा विवाद है। विश्वजीत देशपांडे ने, परशुराम सेना ने जेम्स लेन के खिलाफ कभी आंदोलन नहीं किया, हमने क्या किया? हमने तो, अरे मैं तो कहता हूं ब्राह्मणों को चुनौती देकर कहता हूं, रात दावे से कहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ किसी भी ब्राह्मण का कोई नाता नहीं है, हमारा नाता है। हमारा क्यों नाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिवाजी महाराज को गुरु माना, हमारी मूवमेंट का आधार छत्रपति शिवाजी महाराज है, इसलिए हम इस विवाद को चर्चा में ले रहे, क्योंकि ये हमारे महापुरुष का मामला है और हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मामला है, उनके वैचारिक वारस है, और आज के बाद हम ब्राह्मण को चुनौती देकर कहेंगे, हे ब्राह्मणों, तुम छत्रपति शिवाजी महाराज को एक लाइन भर भी मत लिखो, कोई अन्याय नहीं होगा, हम लिखेंगे, हम वास्तविक इतिहास सामने लाएंगे। छत्रपति शिवाजी
ये अखबार में कटिंग आया, ब्रह्म पुरंदरे ने लिखा, ब्रह्म पुरंदरे ने किताब का विज्ञापन किया कि विदेशातील लोकांना शिवचरित्राची फार उत्सुकता आहे। एका अभ्यासकाने शिवाजी द हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया हा ग्रंथ लिहिला आहे। जेम्स लेन का असली मास्टरमाइंड ब्रह्मा पुरंदरे। पुरंदरे मर गया तब आरएसएस की चड्डी पहनकर नागपुर की शाखा में जाता था। क्यों 19 तारीख का आग्रह किया? सच बात के लिए लोगों को डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा पुरंदरे आरएसएस का प्रचारक था, दत्तो वामन पोद्दार षड्यंत्रकारी ब्राह्मण था, उसका भी आरएसएस के साथ कनेक्शन था। आरएसएस के लोगों के साथ सलाह मशवरा करके गोलवलकर की जो 19 फरवरी तारीख है उस तारीख को जानबूझकर जोड़ा गया माधव गोलवलकर की तारीख 19 तारीख है, सही है? हमारे राजा को बदनाम करने के लिए उन्होंने गोलवलकर की तारीख के साथ शिवाजी महाराज की तारीख जोड़ के बताया। इसलिए ये कुटिल षड्यंत्र है और इस कुटिल षड्यंत्र को आधार बनाकर महाराष्ट्र केवल छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला मराठा या महाराष्ट्र के लोगों तक सीमित नहीं है। आरएसएस देश भर में छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मीकरण की बातें बता बता कर राष्ट्रीय संगठन बना। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की वास्तविक तारीख सामने आई आरएसएस जीरो हो जाएगी। अगर ये बहुजन समाज को ये बात पता चलेगी आरएसएस जीरो हो जाएगी। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं भामसेब के और मराठा क्रांति सेना के जो संरक्षक है मैं माननीय वामन मेश्राम साहब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र का इतिहास ही नहीं बल्कि देश का वास्तविक इतिहास सामने लाने का प्रण किया है। और वो इसके बारे में जो सूचनाएं देंगे, अभी परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को चुनौती दिया कि 15 दिन का आपको अल्टीमेटम देते हैं, आप कमेटी गठित करो और उसमें बहुजन संशोधक ज्यादा होने चाहिए और ब्राह्मण एक होना चाहिए, ब्राह्मण पर भी अन्याय नहीं होगा, उसको भी कमेटी में लिया जाएगा मगर एक ही रहेगा, बहुजन समाज के लोग ज्यादा रहेंगे। तो देखते हैं फडणवीस कितना प्रयास करता है और उसके लिए मेश्राम साहब जो भी आदेश हमें देंगे हम उस आदेश को पालन करने के लिए तत्पर है। मैं इतनी बात इस मौके पर कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की केवल तारीख का मामला नहीं है, साल का भी मामला है, यानी दो विवाद है। इस विवाद को जल्द से जल्द हल करना चाहिए क्योंकि इस 3 साल की गड़बड़ के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा इतिहास बिगड़ जाता है। एक मामला। दूसरा मामला महासाहेब जिजाऊ का चरित्र हनन का मामला है। तीसरा मामला संभाजी महाराज के भी चरित्र हनन का मामला है। शाहजी राजे भोसले का भी चरित्र हनन का मामला है। मालूजी राजे भोसले का भी चरित्र हनन का मामला है। तो ये जेम्स लेन के द्वारा लिखा गया किताब ये खुद कह रहा है कि मेरे शिव चरित्र की विदेश में जानकारी चाहिए, इसलिए मेरे ग्रंथ के आधार पर जेम्स लेन ने किताब लिखा हुआ है। उसका किताब शिवचरित्र मराठी में है और वो 125 पेज का है और उसके जो संदर्भ सूची है उसमें 80% संदर्भ पुरंदरे द्वारा लिखित मराठी किताब के है। क्या जेम्स लेन अमेरिका में रहने की बजाय सदाशिव पेट में पैदा हुआ था? उसको इतनी मराठी कहां से आ रही है? मैं इस मौके पर केवल मेश्राम साहब को अपील करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूं। जेम्स लेन के किताब पर पाबंदी उठाई गई है। अगर इस जन्म तिथि का हमें हल करना है तो जेम्स लेन के किताब पर पाबंदी लाने के लिए महाराष्ट्र लेवल का ही नहीं देशव्यापी लेवल का आंदोलन करना। हाईकोर्ट के बैठे हुए ब्राह्मण, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए ब्राह्मण कह रहे हैं फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा अगर जेम्स लेन की किताब पर पाबंदी लाई तो। क्या बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए ये जो दलाल किस्म के विदेशी संशोधक है उनको राइट दिया था कि तुम आओ और हमारी बदनामी करो, इनके लिए उनको फंडामेंटल राइट दिया था? इस बारे में सोचना होगा। और उस किताब को आज ऑनलाइन अमेज़न पर
बेचा जाता है 150 रुपए में मिलने वाली किताब 3500 रुपए में मिलती है, और अभी एक वेबसाइट पर उसको अपलोड किया है इंटरनेट के द्वारा, केवल उसको डाउनलोड करने की जरूरत है। हमारे बाप की बदनामी, हमारी मां साहब की बदनामी, यह भयंकर बदनामी है, और इसके लिए आरएसएस बीजेपी के लोग दोषी है। यही वाजपेयी ने समर्थन किया था, यही भवलकर ने समर्थन किया था, यही राज ठाकरे ने भी समर्थन किया था, सारे पुरोगामी ब्राह्मण उसके समर्थन में आए थे, दाभोलकर भी आए थे। दाभोलकर के शिष्य ने पूछा, सर आमच्या अनिष्ट कसं होईल, ते म्हणले काय आम्ही कसं आमच्या समाजाला सांगायला जाऊ। माली जाती का कार्यकर्ता जस्टिस सावंत साहब के सामने मुझे बताया कि मैंने दाभोलकर को पूछा था कि आपने तो भंडारकर संस्था को पैसा दिया है, हम हमारे समाज में किस मुंह से जाकर बताए कि अनिस के मेंबर बनाओ। तो उन्होंने कहा था मुझे, क्या कहा था, अरे मैं मरने के बाद तुम मराठा माली लोग थोड़ी मुझे कन्ना देने वाले हो, मुझे तो आखिरकार ब्राह्मणों के कंधे पर ही मरना होगा। ये सारी पुरोगामी ब्राह्मण लोग हमारी मां साहब जिजाऊ के बदनामी के समर्थन में है, तो इस किताब पर पाबंदी होनी चाहिए। जैसे जन्म तिथि का विवाद आप हल कर रहे हो, तो उस किताब को भारत में पाबंदी होनी चाहिए। जेम्स लेन के बाप का भारत नहीं है, हमारे बाप का भारत है, तो हम जो सोचेंगे होता है, हो सकता है। धन्यवाद।